23 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 1550 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। करखियाओ गांव में अमूल दूध प्लांट का करेंगे शिलान्यास, प्लांट में खर्च होंगे 500 करोड़ रुपए। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। 21 दिसंबर को पीएम मोदी की प्रयागराज में रैली, 2.5 लाख महिलाएं रैली में होंगी शामिल। पंचायती राज विभाग में कार्यरत महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, कन्या सुमंगला योजना और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। यूपी विधान परिषद में गूंजा एबीपी गंगा का नाम। कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने उठाया गृह राज्य मंत्री की पत्रकार से बदसलूकी का मामला, बताया बेहद गंभीर, बोले दहशत में है पत्रकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े विपक्ष को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा जो मामला सदन का नहीं उसे यहां उठाकर सदन का समय खराब कर रहा विपक्ष, कहा न्यायालय में चल रहा मामला। जालौन पहुंचे यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबू राम निषाद का बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के मीडिया से बदसलूकी पर बोले, मीडिया ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर किया पेश। उरई के बीजेपी कार्यालय में भाजपा जन विश्वास यात्रा की बैठक के लिए पहुंचे थे बाबू राम निषाद। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग हुई तेज। पत्रकार के साथ गृह राज्य मंत्री के दुर्व्यवहार पर गाजियाबाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। ललितपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। डीएम कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मीडिया कर्मियों से बदसलूकी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ सीतापुर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम का सौंपा ज्ञापन। कहा जब तक गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा कांग्रेसियों का आंदोलन रहेगा जारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग को लेकर पूरे यूपी में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में कांग्रेस की जिला एवं महानगर इकाई ने कलेक्ट्रेट में जमकर किया प्रदर्शन। सरकार पर मंत्री को बचाने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। एटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकालते हुए नेशनल हाईवे 91 पर कलेक्ट्रेट तिराहे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का फूंका पुतला। एबीपी न्यूज के पत्रकार से अभद्रता करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। गृह राज्य मंत्री का मांगा इस्तीफा।